वायनाड के अलावा उत्तर प्रदेश की रायबरेली लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर अडानी का नाम लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला बोला है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया ट्विटर एक्स पर अपना एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने पीएम मोदी पर आरोप लगाया और इस वीडियो में राहुल गांधी ने कहा कि आज मैं लखनऊ एयरपोर्ट पर था, यहाँ से लेकर मुंबई और गुवाहाटी से लेकर अहमदाबाद तक तमाम एयरपोर्ट्स प्रधानमंत्री ने अपने टेम्पो वाले मित्र को सौंप दिए हैं। देश की संपत्ति कितने टेम्पो के बदले बेची गई है, क्या नरेंद्र मोदी जनता को बताएंगे? इससे पहले एक सभा में भी राहुल गांधी ने यह आरोप लगाया था कि संविधान के बिना जो सरकार होगी वो अडानी और अंबानी की सरकार होगी, आज जो आपकी थोड़ी भी हिफाजत है वो खत्म हो जाएगी। उन्होंने प्रधानमंत्री पर हमला बोलते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी जिन्हें चाहते हैं वो दो तीन लोग ही सरकार चलाएंगे और जैसे ही संविधान खत्म होगा रोजगार भी खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा और गरीबों के सभी रास्ते बंद हो जाएंगे। राहुल गांधी ने मतदाताओं को चेताते हुए कहा था कि लड़ाई संविधान बचाने की है, गरीबों की रक्षा करने की है। कांग्रेस नेता ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए यह दावा किया कि देश के 22 से 25 शीर्ष उद्योगपतियों के 16 लाख करोड़ रुपए के ऋण माफ कर दिए गए हैं जो मनरेगा के तहत आवंटित कई सालों की धनराशि के बराबर है। राहुल गांधी ने यह भी कह दिया कि उनकी दादी इंदिरा गांधी, उनके पिता राजीव गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी ने रायबरेली में लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम किया है और बीते 8 मई को तेलंगाना के करीमनगर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने यह दावा किया था कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद से उद्योगपति गौतम अडानी और मुकेश अंबानी का नाम लेना ही बंद कर दिया है और उसके बाद ये वीडियो राहुल गांधी ने शेयर किया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा था कि साथियों आपने देखा होगा कि कांग्रेस के शहजादे यानी राहुल गांधी पिछले 5 साल से सुबह उठते ही माला जपना शुरू कर देते हैं। जब से उनका राफेल वाला मामला ग्राउंडेड हुआ है तब से उन्होंने एक नई माला जपना शुरू कर दिया है। 5 साल से एक ही माला जपते थे के 5 उद्योगपति, फिर धीरे धीरे कहने लगे अंबानी अडानी, लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है उन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया है। लेकिन एक बार फिर से राहुल गांधी अंबानी अडानी को लेकर ही मुखर हो गए हैं। अपना एक वीडियो उन्होंने ट्विटर पे शेयर किया है और सीधे तौर पे प्रधानमंत्री पर आरोप लगाया है और एयरपोर्ट का मसला उठाते हुए जाँच की भी मांग उठाई है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।